त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज तीसरा दिन पंचायत राज किशनपुर बलवा एवं पंचायत राज विशनपुर पंचायत के उपमुखिया पद का चुनाव का आयोजन पूर्णिया जिले के धमदाहा के उच्च विद्यालय के प्रांगण में किया गया। पंचायत राज किशनपुर बलवा से मनोज कुमार शर्मा को कुल 11 मत प्राप्त हुआ, वहीं प्रतिद्वंदी शैलेंद्र हांसदा को मात्र 6 मत प्राप्त हुआ। मनोज कुमार शर्मा को धमदाहा प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय चंद्रा के द्वारा नवनिर्वाचित उप मुखिया पद के लिए घोषित किया गया। वहीं धमदाहा प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी विजय कुमार चंद्रा ने बताया कि उनके नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रहा है। जब तक समारोह पूरी तरह से संपन्न नहीं हो जाता है, तब तक इस बात पर उनके तरफ से विशेष निगरानी रखी जा रही है। वही मुखिया समेत सभी वार्ड सदस्य का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के बाद उप मुखिया का चुनाव संपन्न कराया गया। इस मौके पर किशनपुर बलवा पंचायत के मुखिया आशुतोष कुमार सुशील, उप मुखिया मनोज कुमार शर्मा, किशनपुर बलवा पैक्स अध्यक्ष कृष्ण कुमार उर्फ बबलू भगत, कुमुद रंजन झा, मनोज साहब, पीके यादव, प्रवीण यादव उर्फ पौआ यादव, गौतम कुमार झा, यशवंत कुमार, ललितू राव, रामरूप मंडल, नवलेश कुमार के अलावा सैकड़ों मुखिया समर्थक उप मुखिया मनोज शर्मा को पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। प्रखंड दमदा के मुखिया का चुनाव हो रहा है और मुखिया वार्ड सदस्य सरपंच आदि का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में आज 29 तारीख को 5 पंचायतों का उत्तरण पूर्व, उत्तरण पश्चिम, खाड़ी राजू, नीरपुर, किशनपुर, किशनपुर बलुआ के मुखिया एवं वार्ड सदस्य का शपथ ग्रहण था और मुखिया का चुनाव कर लिया गया है। और द्वितीय पाली में सरपंच और पंच का शपथ होगा एवं सरपंच का निर्वाचन कल हम लोगों का शपथ ग्रहण जो है 200 पंचायतों का संपन्न हो जाएगा। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।